दो मिनट की मैगी, एक मिनट का इंस्टाग्राम। तुम एक सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो, और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा। खाक चेस का बको ध्यानम अल्पहारी स्वनिद्रा, ये पांच लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पहारी। कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ाना है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कंसेंट्रेशन बढ़ाना है ना। दो काम करो, बाकी सब बंद करो, और दो करोगे तीसरी खुद ब खुद होगी, पढ़ाई खुद ब खुद होगी। और इसको करो, और इसको तुम तीन महीना करो, रोकना मत। जय हिंद फ्रेंड्स। दो मिनट की मैगी, एक मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। दो मिनट सर, तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम एक सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो, और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा। कितने लोग ब्लूटूथ प्रोग्राम में है, सुबह वाले 5 बजे वाले प्रोग्राम में? कोई नहीं। आजकल मैं क्लास ले रहा हूं सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, योगा ध्यान और एनसीईआरटी, लेकिन उसमें अप्रोच है बस। 5 बजे सुबह बुलाते हैं सबको, 5 से 7 सुबह क्लास चलती है। आज ही मैंने कहा इस बात को कि तुमको अगर कुछ भी बनना है तो तुमको एक चीज को यहां पैदा करना होगा, उसका नाम है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों, कैसे, किसने बनाया, कितनी बार भी इसको पढ़ोगे भी क्वेश्चन पूछ लूंगा बता नहीं पाओगे, गारंटी। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। एक पता नहीं कोई साहब थे मुंबई में, उनकी न्यूज आई थी कि वो जो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डेली 2 शो देखता था बंदा, डेली। मजा आया होगा ना, साल भर वो आदमी डेली 2 शो देखता रहा, 6 घंटा डेली। मन का बहुत बड़ा लक्षण है। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं हो, कनेक्ट करके समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा हो, कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ाना है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कंसेंट्रेशन बढ़ाना है ना, रस बढ़ाओ, रस। जब रस बढ़ाओगे कंसेंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, तुम रस बढ़ाओ। और रस बढ़ेगा समझने से, दिमाग लगाने से, सोचने से, डायग्राम बनाने से। और एक बार तुम्हें पढ़ाई में रस आने लगा, तुम्हारा कंसेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं तो छोटी छोटी सिंपल सिंपल किताबें हैं, क्यों नहीं समझ में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी? ये संभव है कि जो आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा, 22 साल जिसकी उम्र, उसको एनसीईआरटी ना समझ में आए कि ये क्या कहना चाहती है? उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है, तुम सोचना नहीं चाहते हो। अगर तुमसे जीवन में कोई पूछे तुमने अवधोजा से क्या पढ़ा, कह दो पढ़ा तो कुछ नहीं, सीखा ये। तभी तो कहते हैं ना वो, ये पढ़ाता ही नहीं, काहे पढ़ाए, तुम पढ़ा के क्या बिगाड़ लिए। मेरे कोलीग हैं, एक बार हमसे कहा, यार तुम पढ़ाते नहीं हो। हमने कहा जितने लड़कों को पढ़ाए हो बुला लाओ उनको, 5 सवाल पूछेंगे, अगर वो 5 में से 3 बता दिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम छोड़ देना। नहीं नहीं ये बात नहीं है, यही बात है। तुम पढ़ा बहुत अच्छा रहोगे, तो मैं मान ही रहा हूं, तुम्हारे पढ़ाने में कमी कहां है?
मैं तो मानता, मैंने किसी टीचर के बारे में आज तक यहां कहा? मैंने हमेशा कहा कि सब टीचर अच्छा पढ़ाते, सब कोचिंग अच्छा पढ़ाती। तुम मेरा कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जब वहां मैंने कुछ कहा हो किसी टीचर। वो मेरा मुद्दा ही नहीं है ना। मुझे कुछ बातें क्लियर है। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़े, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसके पास पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। ये तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए? 14 साल खुद को दिया, खुद को, कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, मम्मी बहुत परेशान है, और छोट भाई हमारे जो ने घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है? हाँ। तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है, उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे, कि तीनों माँ लोग परेशान हैं, रो रही हैं दिन भर कि हमारा बेटा जंगल चला गया, बाप बेचारे बुलाते बुलाते मर गए, उनके घर में दिक्कत नहीं है? कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? पर ये तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। बीस साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। रहोगे कैसे, खाओगे कैसे? किताबें, न्यूज़पेपर। अब वो 1970 का जमाना नहीं है जब लोग सतुआ पी के जी लेते थे, तब बाजार नहीं थी। तुमने कितना अटेम्प्ट दिया? पहला तैयारी सही चल रही? सोच को विकसित करो, समझे ना, डरो मत, मेरा टाइम भागा जा रहा। एक साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी। हैं? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मैंने डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे पता लगा पैंट फट गई, अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाट डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी कि मेरा बच्चा गिरे ना। वो सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए,
ध्यान इसलिए करो, दो काम करो, बाकी सब बंद कर दो। तो दो करोगे तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग दो कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है। जिद बना लो अपनी जिद, तो दोनों से क्या होगा, एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा पढ़ाई खुद ब खुद होगी। डिसीजंस लेने लगोगे ना, खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है, मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है, तो जैसे धूप में खड़ा हुआ अब मन चिल्लाने लगा कि अरे यहां कहां खड़े हो। ये जो साधना है ये क्या है, कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे वो अखुआ चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, दो चम्मच लो, दो चम्मच चने का सत्तू, कितना प्रोटीन लेवल, हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वानिद्रा, ये पांच लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठा का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम। तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले ये चैप्टर हमको समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे, हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई, अच्छा इसको इसे डील क्यों नहीं करते तुम, ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो। इससे समझौता करो, या सुबह चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे, अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा पूरा खा, जब पूरा चिकन तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एसेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 ग्लास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से स्टेटमेंट को दोहराऊंगा, जिस आदमी के पास सोच होगी। तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है, तुम्हारे मन के बल पे। तुम मन को ताकतवर नहीं बनाओगे, एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। OIS की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सोच से व्यक्ति महान बनता है।
शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा। तुम लोग दो काम कर लो बस, तीसरा अपने आप होगा। तुम वही दो मेरा मान नहीं रहे हो, इसलिए तीसरा हो नहीं रहा है। तुम ध्यान और योग शुरू कर दो। टिम रो की योग निद्रा दोपहर में खाना खाने से पहले एक बार करो, या निर्जनानंद वाली, और इसको करो, और इसको तुम 3 महीना करो, रोकना मत। क्या क्या वो खुद ही बोलेगा, लेट ना कुछ करना ही नहीं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो टिम रो करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो निर्जनानंद, स्वामी निर्जनानंद मुंगेर। ये 3 महीना कर लो, ये बहुत प्यारी चीज है। और किसी एक चीज को अपने सॉफ्ट सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, सर इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर 3 महीना कर लो, 90 दिन। जब ये संकल्प लेने के लिए कहेगा तुमसे, तो संकल्प, जैसे तुमने संकल्प ले लिया कि मैं योग और ध्यान करूंगी, तो 3 महीने में क्या होगा कि ये थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाएगा। इसका यही रोल है, और कोई रोल नहीं। तो क्या करेगा, तो वो थॉट जो है, वो तुम्हारा गोल जो है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में डाल देगा। और जैसे वो सबकॉन्शियस में पड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हें बिना कराए मानेगा ही नहीं। बिना कराए मानेगा ही नहीं। ये कर लो।